नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज बात करेंगे हम मनुस्मृति को लेकर, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो भारत में 25 दिसंबर सन 1927 को जिस तरह से महाराष्ट्र के रायपुर जिले में परम पूज्य बाबा साहब ने मोहाग में मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया, तो उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा में मेरे साथ में रहेंगी जानी मानी सामाजिक चिंतक और बौद्ध धर्म की जानकार शकुन बोध जी, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली है और मिशन मूवमेंट में काफी लंबे समय से लगी हुई हैं। तो शकुन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एमबी न्यूज में। और जिस तरह से मैंने आपको विषय अवगत कराया था कि आखिर हर साल हम क्यों मनुस्मृति दहन करते हैं, और जिस तरह से शकुन बोध जी काफी लंबे समय से संघर्ष कर रही है सामाजिक रूप से, हम देख रहे हैं, और जिस तरह से वो लोगों को जाकर कैटराइज करते हैं, खासकर उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत बड़े स्तर पर आती है। क्योंकि अक्सर मैं एक बात कहती हूँ कि जिस दिन समाज की महिलाएं जाग गई, वो बहुत बड़े स्तर पर वो क्रांति ला देंगी। और बाबा साहब की जो कोटेशन है कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ कि समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी, जागरूक और शिक्षित है। तो शकुन जी, जानना चाहूंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो सवाल मैंने किया था, जो हमारा विषय है कि आखिर हर साल हम क्यों मनुस्मृति दहन मनाते हैं। सबसे पहले तो मेरा सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और नीलम जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज आपका जो क्वेश्चन है वो इसको जलाने की या जो जरूरत पड़ती है वो लोगों को रिमाइंड कराने की जरूरत है, क्योंकि अभी अब मनुस्मृति नहीं रही। बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को इसको दहन किया था, बट अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में मनुस्मृति अभी भी है, और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग छुआछूत, भेदभाव, जात पात, ये अभी भी लोगों के दिमाग में है और उसी तरीके का व्यवहार ये लोग करते हैं। तो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जो एक विधान था काला, यानी कि काला कानून उसको कह सकते हैं, और 25 दिसंबर 1927 से पहले ये भारत जो था उसी कानून के तहत मतलब काम कर रहा था, और उसमें एक बहुत बड़े तबके को, यानी कि अगर मैं उस दिन की शूद्र की बात करूं तो आज के एससी एसटी ओबीसी जितने भी लोग थे वो एक बहुत बड़ा तबका था, जिसको हर अधिकार से वंचित रखा गया था, जिसको मतलब मैं कह सकती हूं कि जिसमें शोषण की सभी हदों को पार कर दिया, ऐसा काला कानून ये था मनुस्मृति, और उसी को बाबा साहेब ने दहन किया। जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक मैं कह सकती हूँ पुस्तक प्रेमी रहे हैं, और उनकी खुद की लाइब्रेरी में 54,000 बुक्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बुक को इसीलिए जलाया क्योंकि वो चाहते थे कि इस भारत देश में समानता हो और भाईचारा हो, मैत्री हो, और ये जो देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था वैसा ही देश दोबारा बने। तो इसलिए बाबा साहेब ने उस टाइम पे जलाया, और आज भी हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो मनुस्मृति आप लोगों के दिमाग में है ना, अभी किताब के रूप में नहीं रही, बट अभी दिमाग में जो मनुस्मृति है उसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये देश जो है संविधान का देश है, और ये देश में संविधान लागू है, और संविधान के तहत अगर हम देखें तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मतलब 13 से लेके 32 तक जो आते हैं, वो हमारे मतलब हमारे नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के, जितने भी यहाँ पर भारत देश में लोग रहते हैं उन सभी के फंडामेंटल राइट हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकारों को कोई चेंज नहीं कर सकता, ये बाबा साहेब ने अपने संविधान में लिखा था। तो उसके तहत अगर देखा जाए तो ये भारत देश में कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए, जात पात नहीं होनी चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, और सभी में समता, समानता, बंधुत्ता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को याद दिलाने के लिए हम हर साल मनुस्मृति का दहन करते हैं। जी, जिस तरह से आपने बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग होते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे ऊपर खड़े करते हैं कि जिस तरह से दशहरे को रावण का दहन किया जाता है, तो हम लोग एक सवाल उठाते हैं कि जब रावण को एक बार मार दिया गया तो हर साल क्यों। तो यही सवाल एक तरह से जो प्रतिक्रिया है, या मैं एक तरह से कहूँ
कि प्रतिरोधात्मक सवाल ये हम पर भी खड़ा होता है कि जब एक बार परम पूज्य बाबा साहब ने 25 दिसंबर सन 1927 को महाराष्ट्र में इसको जलाकर आग के हवाले कर दिया था, तो फिर आखिर अब ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि आप लोग इसको जलाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात को नकारती हूँ कि जो काल्पनिक कथाओं पर जो रावण का दहन किया जाता है वो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को करना चाहिए। और जो सही चीज है, आज तक भारत जो है क्रिया और प्रतिक्रिया का रहा है, मतलब इसमें पहले क्रांति और प्रतिक्रांति का भारत रहा है ये, तो इसमें पहले जो लोगों ने छुआछूत फैलाई और बहुत छुआछूत तो खैर फैलाई वो तो अलग बात है, लेकिन जितनी भी सारी चीजें थी उन सारी चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और बहुत सारी चीजों को, मतलब मैं कह सकती हूँ कि बुद्धिज्म में जो चीजें थी वो सारी चीजों को अपना बना लिया गया और एक काल्पनिक, बहुत सारे काल्पनिक नाटक हैं जिनके ऊपर ये कहानियां बनाई गई, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे इस तरह की बहुत सारी काल्पनिक कहानियां हैं, ये इन्हीं को इन्होंने भगवान का रूप दिया, किस किस का नहीं दिया वो इनकी अपनी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे आप किसी को भी मानिए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन ये देश इस वक्त, भारत देश जो है संविधान के ऊपर चलता है और संविधान ये किसी को भी राइट नहीं देता कि कोई भी किसी के साथ छुआछूत करे, भेदभाव करे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो संविधान विरोधी है इस देश में उसको देशद्रोही का वो देना चाहिए, खिताब देना चाहिए अगर कोई भी संविधान विरोधी है। तो फिर जयपुर में अभी भी मनु की जो मूर्ति लगी है, आप किस मनु स्मृति को आप पढ़कर देखेंगे ना, तो उसके एक एक श्लोक में महिलाओं के लिए, मतलब महिला चाहे कोई भी कैटेगरी की हो, चाहे वो श्रमण हो, क्षत्रिय हो, वैश्यानी हो या शूद्र हो, कोई भी महिला हो, उन सब का शोषण लिखा गया है और उन सब को, मतलब पाप की एक तरीके से, मैं आपके चैनल में पाप की योनि कहा गया है कि ये महिलाएं जो है होती इस तरह की हैं, मतलब सारी महिलाओं पर उंगली उठाई गई है। दूसरा, शूद्रों को, शूद्र यानी कि एससी एसटी ओबीसी, उन सब को हर अधिकार से वंचित रखा गया, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप एक एक उसके श्लोक पढ़कर देखिए तो उससे इतना गुस्सा, मतलब आता है कि अभी भी वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है। और हम ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये मनुस्मृति का दहन हो चुका है, तो अपने दिमाग की मनुस्मृति का भी दहन कर दीजिए। इसलिए लोगों को रिमाइंड कराने के लिए हर साल इसकी जरूरत पड़ती है और हम हमेशा ही ये करते रहे। जी सुकुन जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह से मनुस्मृति का मैं एक श्लोक यहाँ पे कोट करना चाहूंगी कि मनुस्मृति में लिखा है कि जो ब्राह्मण है अगर उसका कोई 10 साल का बच्चा है और जो एससी एसटी ओबीसी जिस तरह से जो 4 वर्ण दिए हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो तीनों वर्ण उस 10 साल के बच्चे, चाहे वो 80 साल के 90 साल के, जो तीनों वर्ण है वो उस बच्चे के पैर छुएंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा है अनपढ़ है या उसमें ब्राह्मण के एक भी गुण नहीं है। जिस तरह से हम कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वो शिक्षित होता है, बुद्धिजीवी होता है, जिस तरह से ऋषि मुनि ने यहाँ पर स्थापित करने का काम किया मनुस्मृति में, तो आज की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं हम कुछ परसेंट अंश लोगों में देखते नहीं है इस तरह के कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण का बच्चा आता तो उसकी प्रति एक अलग ही सोच होती है। देखिए, मनुस्मृति का सबसे बड़ा जो मैं कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा उसमें यही खतरनाक एक तरीके से है ये कि उसने, मतलब ब्राह्मण को सुपीरियर रखा है, बाकी जितने भी तीनों वर्ण है, चाहे वो ये हो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, मतलब मनु जो ब्राह्मण था उसने अपने आप को उस मनुस्मृति के तहत सुपीरियर रखा और उसने कहा कि, और ये भी कहा कि बच्चा जो है जहां, मतलब कहते हैं कि ब्राह्मण के घर से अगर बच्चा पैदा होगा तो वो पूजनीय ही होगा, चाहे वो कितना ही भी बड़ा बलात्कारी हो, कितना ही भी नशेड़ी हो, कितना ही भी नशा करता हो, कितना ही भी लोगों कुछ भी करता हो, लेकिन फिर भी वो
पूजनीय है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को पूजनीय बना दिया, और शूद्र चाहे कितना ही भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो लेकिन फिर भी वो क्या कह सकते हैं उसको, अछूत तो बनाया ही बनाया, बाकी उसको किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मणों ने अपने आप को सुपीरियर बनाया और तीनों वर्ण ही ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, तीनों वर्ण ही, चाहे वो ठाकुर हो, बनिया हो, कोई भी हो, सब सब ब्राह्मण की ही वो कर रहे हैं। तो इसीलिए मनुस्मृति जो है वो ब्राह्मण बेस ही है, और उन्होंने अपने आप को सुपीरियर रखा, और जितने भी तीनों वर्ण है वो सब उनकी सेवा करने के लिए हैं। और आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख हो रहा है या साजिश से जो रच रहा है वो ब्राह्मण रच रहा है, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अभी भी यही है कि ये जो एससी एसटी ओबीसी के लोग जो संविधान से राइट लेकर जो नौकरियों में हैं या जो घरों बंगलों में रह रहे हैं या गाड़ी में घूम रहे हैं, तो उन लोगों के पेट में अभी भी दर्द हो रहा है क्योंकि अब उनकी सेवा नहीं हो रही, अब उनकी बात नहीं मानी जा रही, तो इसलिए वो तमाम अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनुस्मृति को लागू करना है। तो ऐसा जो वो सोच रहे हैं वो अपने दिमाग में से गलत फहमी को निकाल दें कि मनुस्मृति दोबारा लागू होगी, क्योंकि बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को आग लगा दी और उनके अनुयायी ऐसा होने नहीं देंगे, ये अपने दिमाग में वो लोग बैठा लें। जी, आपने जिस तरह से वर्ण व्यवस्था की बात करी है, तो मेरा एक सवाल है, क्योंकि अक्सर एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है, इसमें मैं चौथे वर्ण को लेना चाहूंगी जो कि शूद्र है। अब शूद्र में बहुत सारी जातियां आती हैं, जातियों में बहुत सारी उपजातियां आती है, और अगर आज का सुनहरी उठाकर देखें उन उपजातियों में गोत्र भी बहुत सारे बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बेसिक तौर पर बात करूं, जो ओबीसी समाज है जिसमें कि जाट हो गया, गुज्जर हो गया, यादव हो गए, या जो कुम्हार है या और भी अन्य कई जातियां हैं, वो आज भी अपने आप को शूद्र समझने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपनी दबंगाई का परिचय देते हुए अपने आप को क्षत्रिय यदुवंशी कहते नजर आते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब की एक कोटेशन है कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। तो ये जो ओबीसी हैं, सही मायने में देखा जाए तो इनका विचारों का बड़ा शोषण हो रहा है, क्योंकि ये लोग अपने आप को शूद्र नहीं मान रहे। और सबसे ज्यादा अगर हिंदू धर्म को कोई पाल रहा है तो यही लोग पाल रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मनुस्मृति में जो शूद्र की कैटेगरी में रखा गया था वो आज का ओबीसी है, और जो एससी एसटी है ना उसको तो अछूत बनाकर रखा गया था, लेकिन जो ओबीसी है वो आज का उस टाइम का शूद्र है। तो उनके साथ क्या क्या शोषण हुआ है, अगर वो अपना इतिहास जानना चाहते हैं तो एक बार उस मनुस्मृति को ही उठाकर पढ़ लें कि उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता था और किस तरीके से इन्होंने ओबीसी की बुद्धि को अपने अंडर कर लिया, यानी कि अपने चंगुल में फंसा के रखा हुआ है, और आज भी वो उस चंगुल से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि निकाल लाया हूं मैं इनको पिंजरे से बाहर, अभी दिमाग में से पिंजरा निकालना बाकी है। तो इन लोगों के दिमाग में, यानी कि मानसिक गुलामी के शिकार हैं ये लोग। और ओबीसी को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आप शूद्र हो, और जितनी जल्दी आप अपना इतिहास समझ लोगे, जान लोगे, अपने महापुरुषों को जान लोगे, ज्योतिबा फूले को जान लोगे जिन्होंने आपको पढ़ने का राइट दिया, या और जितने भी तमाम महापुरुष आए, बाबा साहेब ने तो कानून के रूप में आपको संविधान दे दिया जिसमें तमाम वो अधिकार दे दिए जिनसे आपको वंचित रखा गया था, जो आपसे छीन लिए गए थे मनुस्मृति के तहत। तो आप जितनी जल्दी अपने इतिहास को जान लोगे ये देश उतना ही अच्छा बन जाएगा, और अगर आप लोग नहीं समझे तो ये लोग जो है मनुवादी सोच के जो लोग हैं वो आपको गुलाम बनाने का साजिश रच रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है गुलाम ना बने, तो आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है,
ये हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। और ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि हिंदू तो शब्द ही बहुत बाद में आया है, 19वीं में आया है, जब लगा कि वोट जो है, वोट का अधिकार यहाँ पर भी लोगों को मिल सकता है। जब इंग्लैंड में वोट का अधिकार मिल गया था तो उनको लगा कि इंग्लैंड के लोग ही तो यहाँ पर शासन कर रहे हैं, अगर बाई चांस यहाँ पर वोट का अधिकार मिल गया तो एक बहुत बड़ा जो तबका है 85% SC ST OBC माइनॉरिटी, तो वो लोगों का ही राज इस देश पर होगा। इसलिए मजबूरन इन लोगों को, यानी कि मनुवादी सोच के लोग जो है हमेशा साजिशें रचते हैं, और उन्होंने एक साजिश रची और सबको हिंदू बना दिया, हिंदू बना दिया। लेकिन आप खुद बताइए मुझे इस बात को कि जब कहीं भी कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी शोषण होता है, तो क्या कोई कहता है कि हिंदू के साथ ऐसा हो गया? नहीं कहता, वो सिर्फ यही कहता है कि दलित के साथ ऐसा हो गया, ओबीसी के साथ ऐसा हो गया। जब बहन बेटियों की रेप किया जाता है, उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है, तब क्या ये लोग कहते हैं कि हिंदू की बेटी के साथ ऐसा हो गया? नहीं कहते। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है इस भ्रम से, जो हिंदू नाम का जो भ्रम है ना, उससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि हम ना तो पहले हिंदू थे और ना ही अब हैं और ना ही होंगे आगे। तो हम बुद्धिस्ट थे, हम ही इस देश के शासक थे, हम ही इस देश के मूल निवासी थे, और जिनको इस बात पे शक है वो महापुरुषों को उठाकर पढ़ ले और अपने इतिहास को जान ले। और ये जो तुम्हारे ऊपर जो हिंदू का टैग लगाया हुआ है, खासकर ओबीसी के ऊपर, वो उस चीज को छोड़ दे, क्योंकि देखो शूद्र तो शूद्र ही रहने वाला है, मूल निवासी तो मूल निवासी ही रहने वाला है। तो ये लोग आपका हिंदू के नाम पर शोषण कर रहे हैं, तो उस चीज से बाहर निकल जाएंगे। जी शकुन जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह से अक्सर हम एक ही शब्द, आपने भी यूज किया और हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मनुवाद, मनुवाद या मनुवादी व्यवस्था या मनुवादी विचारधारा, तो कहीं ना कहीं आज हम एक चीज और देख रहे हैं, खासकर बहुजन समाज की बात करूंगी, कि बहुजन समाज में भी आज दो खाई बनी हुई है, जिसको कि मैं मनुवाद का ही शब्द से संबोधित कर सकती हूँ। क्योंकि हम देखते कि जो बहुजन समाज में जो लोग आज अच्छे वेल एजुकेटेड हो गए, अच्छी नौकरियों पर हैं, और जो उनसे नीचा तबका है उसी समाज का, जो मतलब एजुकेशन के स्तर में भी ज्यादा नहीं है और सरकारी नौकरियों पर भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब शादी विवाह की बारी आती है तो एक करोड़पति बहुजन व्यक्ति दूसरा करोड़पति ही ढूंढता है, चाहे वो बेटी के लिए दामाद ढूंढे या फिर बेटे के लिए बहू लेकर आए। तो क्या ये मनुवादी व्यवस्था नहीं है? एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं यही नहीं कहती कि मनुवादी किसी में भी हो सकते हैं। मनुवादी सोच के जो लोग होते हैं उनका काम ही क्या होता है कि एक दूसरे को शोषण करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, है ना, एक दूसरे का उत्पीड़न करना, है ना। जो मनुवादी सोचे, यानी कि मनुवादी सोच का मतलब है ऊंच नीच, भेदभाव, और ये सारी चीजें उसमें भरी हुई हैं। और ऐसे लोग हमारे बहुजन समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो मनुवादी सोच रखते हैं अभी भी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब कहते हैं कि हमको अपनी तीन कैटेगरी में उन्होंने हमको बांटा। इन लोगों ने भले ही हमको 6,740 जातियों में बांट दिया हो, लेकिन हम बाबा साहब के अकॉर्डिंग हम तीन कैटेगरी के लोग हैं, SC ST OBC। इसमें कोई जाति नहीं होनी चाहिए। मैं खासकर बहुजन समाज से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ये सब अपने लोग हैं, और इसमें जितनी जल्दी हम रोटी बेटी का संबंध बनाएंगे, जातियां खत्म होंगी, और जातियों में भले ही इन लोगों ने हमें बांट दिया हो, लेकिन हम जातियों में है ही नहीं, हमारी कोई जाति है ही नहीं, और बुद्धिस्टों में तो वैसे भी कोई जाति नहीं होती, हम पहले से ही बहुत थे। और जो आज के करोड़पति लोग हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि तुम तो खुद ही करोड़पति हो भैया, तुम्हें दूसरे करोड़पति की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई तुमको? अगर तुम चाहते हो कि दूसरे लोगों को, यानी कि अपने समाज के लोगों को ऊपर उठाकर लाना है,
आप खुद करोड़पति हो, आप खुद उसकी हेल्प करो, क्यों नहीं कर सकते आप लोग? क्या आपको दहेज लेना या दहेज देना ये भी एक कानूनन अपराध है और ये एक जुर्म है। तो ये जो अपेक्षा या उपेक्षा की जाती है ना ये दहेज की, या करोड़पति है तो करोड़पति ढूंढने की स्टेटस की, मतलब लोग स्टेटस में जी रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि अपने समाज को ऊपर लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और बाबा साहेब ने हमको इस काबिल तो बना दिया कि हम जो है पढ़ लिख गए, अच्छे ऑफिसर बन गए। लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि हमारा समाज ही हमारे समाज के जो युवा हैं या जो बेरोजगार हैं या जिनको जिस चीज की नीड है उनकी हेल्प तो नहीं करते, लेकिन दूसरी कैटेगरी के लोगों की हेल्प करते हैं। अपने समाज को आगे नहीं लाना चाहते, दूसरे समाज को आगे लाना चाहते हैं जिन्होंने उनको शोषण और जिन्होंने अभी तक भी उनको एक तरीके से मानसिक गुलाम के रूप में रखा हुआ है। आज बड़े से बड़ा ऑफिसर जब जाता है ऑफिस में और वो रिजर्वेशन से जा रहा है तो क्या पता उनको नहीं पता कि ये एससी की सीट है और ये रिजर्वेशन से आया है या ये एससी की सीट है, एससी के लोग ही इस पर आएंगे, फिर भी अपनी जातियों को छुपाने लगते हैं, फिर भी अपने आप को छुपा कर रखते हैं। और सामने वाला अगर कोई उनसे हेल्प मांग ले अपने समाज का तो उसी से ही मुंह मोड़ लेते हैं, उससे बात भी नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और इसी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से ही आज तक हम बाबा साहेब का जो सपना, सपना क्या मतलब, वो हमको बुद्धिज्म देकर गए, बुद्ध का धम्म हमको देकर गए, लेकिन आज तक भी उनके कहने के लिए करोड़ों अनुयायी बोलते हैं अपने आप को कि हम तो बाबा साहेब के अनुयायी हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर एक अकेले बाबा साहेब ने इतिहास को केवल 39 ईयर में बदल दिया तो क्या आप लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग जो अपने आप को कह रहे हैं वो कितने सारे साल बीत गए, बाबा साहेब को गए वो 1956 में चले गए हैं, लगभग 65 साल बीत चुके हैं, तो अभी तक ये भारत बौद्ध में क्यों नहीं हो पाया, या ये भारत में ये शोषण, ये गरीबी क्यों नहीं रुक पाई? लेकिन आप आज ये सोचकर बैठे हो कि ये जो मूंछ रखने पर लोगों को मार दिया जाता है, या आज छोटे बच्चे को मटका छूने पर मार दिया है ना, इस तरह की जो व्यवस्था दोबारा से ये लोग कर रहे हैं, इनके हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? और आज जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि ये हमारे हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है, यानी कि अगर किसी का बच्चा मटके छूने पर मरा है या घोड़ी चढ़ने पर मरा है या मूंछ रखने पर उनको बोला जा रहा है या बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तो वो ये सोच कर बैठे हैं कि हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि गली के नुक्कड़ पे अगर आग लगती है ना, तो आज भले ही आपके घर में ना हो लेकिन थोड़े समय में आपके घर तक भी वो आग पहुंचेगी। तो आपके घर तक वो आग ना पहुंचे इसलिए अलर्ट हो जाइए और उस जो गली के नुक्कड़ पर जो आग लगी है उसको बुझाने का प्रयास करें, यही अपील मैं आप करती हूँ। जी जी बिल्कुल शकुन जी, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को हमें संविधान रूपी एक महान ग्रंथ दिया और उसके बाद में हिंदू कोर्ट बिल के माध्यम से इस देश की तमाम महिलाओं को वो हक अधिकार दिए जिससे कि जो मनुस्मृति ग्रंथ है उसके तहत उनको गुलाम बनाया गया, तो मैं जानना चाहूंगी कि आज भारत देश की समस्त महिलाएं, क्योंकि अक्सर मैं खासकर अन्य समाज की महिलाओं की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर बहुजन समाज की महिलाओं की बात करूंगी, कहीं ना कहीं आज वो बहुत बड़े स्तर पर जो एजुकेशन ले रही है, नौकरियों में उनकी जो भागीदारी है या राजनीति में उनकी भागीदारी है, जब श्रेय की बात आती है या हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं परम पूज्य बाबा साहब पर वो चर्चा करते हुए हिचकिचाती है, ऐसा क्यों? हाँ देखिए, पता नहीं खासकर अगर मैं कहूँ तो ये जो महिलाएं हैं ना यही सब धर्म की पोषक होती हैं और सबसे बड़ी मानसिक गुलामी में आज भी जी रही हैं, भले ही वो बाबा साहेब के द्वारा दिलाए गए अधिकारों से
आज सर उठाकर चल पा रही हैं, उनके पास संपत्ति रखने का अधिकार है, वो जॉब कर पा रही हैं, उनके पास तमाम वो राइट है बाबा साहेब की बदौलत, लेकिन आज भी वो बाबा साहेब को भूल गई क्योंकि उनके दिमाग में जो है अभी भी उन लोगों ने वही भरा हुआ है, वही अंधविश्वास, वही पाखंड, वही पूजा पाठ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक महिला साइंटिस्ट होते हुए भी वो मतलब वैज्ञानिक, मैं कहती हूँ कि कहते हैं कि वैज्ञानिक अगर सोच हो जाए तो ये पाखंड और ये अंधविश्वास दिमाग से निकल जाता है। जब आप विज्ञान की स्टूडेंट हो या आप साइंटिस्ट हो, फिर भी आप उस अंधविश्वास में, उस पाखंड में उलझी हुई हो, तो ये जो महिलाओं को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र मैं कह सकती हूँ जो रचा जा रहा है, वो टीवी सीरियलों के माध्यम से रचा जा रहा है, क्योंकि घर घर में टीवी है और टीवी सीरियलों में आपने देखा होगा कि कितना हर त्योहार के ऊपर पाखंड, हर मतलब तरी तरीके के चमत्कार, बाबा ये वो त्योहारों में अंधविश्वास, पाखंड, ये सारी चीजें जो है महिला मानती हैं और उनको लगता है कि उनके जो उद्धारक हैं वो वही पत्थर की मूर्ति जिनको माता और या भगवान या जो भी वो कहती हैं कि उनसे पूरा होगा। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि एक दिन भी आप संविधान के बिना जी कर दिखाइए, फिर मैं मानूंगी आपको। आप एक दिन भी हिंदू कोड बिल के बिना जी कर दिखाइए, फिर मैं मानती हूँ आपको कि कौन भगवान आपकी हेल्प करने आता है, कौन माता आपकी हेल्प करने आती है, और जिन अंधविश्वास में, जिन पाखंड में, जिन व्रत पूजा संस्कारों में आप लोग पड़े हुए हो ना, ये सिर्फ आपको गुलाम बनाने का एक जरिया है, एक षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं। तो इन सारी चीजों से, अंधविश्वास से खासकर बाहर निकल जाइए, क्योंकि आने वाले समय में यदि आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको ही भगवान समझे, आपको उल्टा सीधा ना बोले, आपको अनाथ आश्रम में ना छोड़ाएं, आपको गाली गुप्तार ना करें, तो महापुरुषों की विचारधारा को अपना लीजिए। ना केवल खुद उन महापुरुषों की विचारधारा से खुद को तरासिए, बल्कि अपने बच्चों को भी तरासिए, ताकि आने वाले समय में आपका कोई शोषण ना कर सके, कोई आपके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचा सके। तो यदि आप इसी सड़ी गली व्यवस्था में पड़ी रहेंगी तो आपका कदम कदम पर शोषण होता रहेगा, खासकर महिलाओं, बहुजन महिलाओं की बात मैं कर रही हूं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई देवता है या कोई भगवान है या कोई देने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब हैं, जिन्होंने हमको वो तमाम राइट दे दिए जो हमसे छीन लिए गए थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुकुन बोध जी, आज की इस बहुत ही सुंदर और स्वच्छ चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बात हम लगातार अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें धर्म के कारण होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि धर्म हमें अनुशासित रहना सिखाता है, धर्म हमें बहुत अच्छी चीजें सिखाता है, धर्म हमें भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है, लेकिन जो कर्म कांड, पूजा पाठ या अंधविश्वास, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं गड्ढे में धकेलने का काम करते हैं। तो जो धर्म की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है अगर इसको समझा जाए तो, लेकिन कहीं ना कहीं आज धर्म को भी हमने घालमेल करके एक्चुअली देखना शुरू। मैं आपकी बात को यहाँ पर काटूंगी, क्योंकि धर्म भी देखिए, धर्म जरूर एक अनुशासन सिखाता है, एक सभ्य समाज को बनाता है, एक लोगों को जीने की राह बताता है कि किस तरीके से हमको जीना चाहिए, लेकिन हम इस चीज को समझने में हमको प्रॉब्लम आती है, या इस चीज को हम नहीं समझ पाते कि कौन सा धर्म है और कौन सा अधर्म। तो आज इस अधर्म वाली बात हो रही है, मतलब इसको बहुत सारे लोग अधर्म को मानते हैं, है ना, कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर जो बाबा बैठे हैं मार्केट में, है ना, जो ना केवल महिलाओं का, छोटी छोटी बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, तरह तरह के बाबा किसके नाम पर बैठे हैं, धर्म के नाम पर,
है ना, मंदिरों में पैसा किसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, है ना, जिस पर टैक्स भी नहीं लगता, और कितनी सारी जो जाति व्यवस्था, एक को नीच समझना, एक को ऊंच समझना, एक को पूजनीय बनाना, एक को अछूत बनाना, ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? ए धर्म के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसको हम धर्म की संख्या में नहीं रख सकते, उसको ए धर्म की संख्या में ही रखेंगे हम, ए धर्म की, क्योंकि संज्ञा वही, मतलब धर्म वही है जो भाईचारा सिखाए, जो समानता लाए, जो एक दूसरे से मिलकर रहे और जो एक दूसरे का शोषण ना करे, उनको आगे बढ़ाने का काम करे, इस देश को आगे ले जाने का काम करे, तो वो धर्म की श्रेणी में आता है। और ये लोग समझ लें कि कौन सा धर्म है और कौन सा अधर्म, तो धर्म तो बहुत अच्छा होता है, धर्म से हम सबको बहुत, मतलब मैं कह सकती हूँ कि धर्म नहीं होगा तो हमारा जीने का भी कोई मकसद नहीं होगा, धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म जरूरी है, अधर्म नहीं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सकुन जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि काफी लंबा समय हमारा निकल गया था पहले। जी जी सॉरी कहूंगी कि मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उन सभी को मैं तहे दिल से साधुवाद करना चाहती हूँ, और आपको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि आज हमने ये चर्चा की, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सकुन जी। तो साथियों हमारे साथ में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में सकुन बहुत जी जुड़ी थी, तो आप सबने उनके विचार सुने, और जो भी हमारा आज का विषय था उस पर उन्होंने बड़ी बारीकी से अपनी बात को रखा है कि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, और उस कारण के पीछे एक समाज को जगाने का जो उद्देश्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।